सो हे दोस्तों, ये अपना पहला वीडियो सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स का। यस गाइस, जो अपना कोर्स है 3.0 सीपीए मार्केटिंग कोर्स, इवन फ्री सीपीए मार्केटिंग कोर्स जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें मैं हर चीज कवर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप्स। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक एक स्टेप्स को देखें और एक भी चीजों को छोड़े नहीं, क्योंकि गाइस मुझे पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी जो एक एक पॉइंट मैं छोड़ देता था, वही पॉइंट मुझे बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जोन में डाल देते थे। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप एक एक पॉइंट को देखें। वीडियोस में बहुत ज्यादा शॉर्ट रखूंगा कि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, बिकॉज लोग यही समझते हैं, तो मैं उसी भाषा में बोलूंगा कि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, बट आप एक एक पॉइंट को कवर करो। सो प्लीज गाइज, मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियोस बना रहा हूं, अच्छे से वीडियो को शूट कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को लेके आके वीडियो में रख रहा हूं, जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल गाइज इन फ्री। तो बस आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप बस इतना करें कि एक भी पॉइंट को मिस ना करें, बिकॉज मैं जानता हूं कि ये पॉइंट्स आपको जाके आगे बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। तो प्लीज गाइज, आप नीचे लिखो आई विल वॉच एवरी मोमेंट। बस आपको ये कमेंट में मुझे बताना है कि आप देखोगे हर मोमेंट को, हर पॉइंट को, प्लीज राइट डाउन बिलो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई Instagram, so you can contact me there and you can connect me also there, and please like this video first. So आज हम लोग बात करने वाले हैं वो पांच points, even ज्यादा या कम, वो पांच points जो आपको बहुत ही ज्यादा important देके और importance देके आपको ध्यान में रखने हैं affiliate marketing start करने से पहले, even CPA affiliate marketing start करने से पहले। तो ये है फर्स्ट वीडियो, इसके बाद आपको डायरेक्ट वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, जहां आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि आपको एक भी मोमेंट मिस नहीं करना, और सीपीए स्टार्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जो बात मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा बाद में तकलीफ दी थी और मैं चाहता हूं कि ये चीजें आपको तकलीफ ना दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So my name is TR, I'm the best in the world and you are watching Online Money as usual। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले वो पांच पॉइंट्स के ऊपर जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है CPA affiliate marketing start करने से पहले। यस गाइस, अगर आप इस पांच पॉइंट को मिस करते हो और आप इस चीज के बारे में अच्छे से समझते नहीं हो, तो ये आपको लॉन्ग टाइम में और इवन CPA marketing start करने से पहले या करने के बीच बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देने वाली है। तो पहली चीज क्या है देख लेते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फर्स्ट चीज है बजट। गाइस बजट, गाइस क्या होता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीए मार्केटिंग, जैसे मैंने किया, मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी मेरी खुद की। जब मैंने स्टार्ट किया था सीपीए मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग, तो क्या होता है जब भी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने जाता है तो उसको सबसे पहले क्या दिखता है, इजी दिखता है सीपीए मार्केटिंग, तो वो सीपीए मार्केटिंग में पहले कूदता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको एफिलिएट और सीपीए मार्केटिंग का कोई भी मतलब अंतर नहीं बताने वाला हूं, बस आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जब मैं सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट करने गया तो मैं वहां पर 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे बार बार थोड़े थोड़े पैसे को कलेक्ट करता था, बिकॉज उस समय उतने पैसे नहीं होते थे। तो मैं 3,000, कभी कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000 ऐसे कलेक्ट कर करके हर बार सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट करता था और हर बार फेल हो जाता था। तो एक बार मैंने सोचा कि क्यों मैं बार बार फेल हो रहा, जब मैं अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं 3,000 मैंने वेस्ट किए, फिर 2,000 वेस्ट किए, फिर 4,000 वेस्ट किए, फिर मैंने 5,000 वेस्ट किए, तो ये सारे पैसे जो थे वो वेस्ट होते जा रहे थे। और ऐसे करके मैंने 20-30 हज़ार रुपए काफी पैसे वेस्ट किए, जिनको मैं कलेक्ट करता था, कहीं से अर्न करता था, किसी से लेता था, और ऐसे करके मैंने बहुत लंबे समय तक पैसों को वेस्ट किया। बाद में जब मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया तो एक चीज मुझे समझ आई कि जब भी सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहिए तो नहीं भी तो आपको 200-300 डॉलर कम से कम आपके पास होने चाहिए। इट्स मीन कि आपके पास 10-15 हज़ार रुपए इकट्ठे होने चाहिए। अगर आपके पास 10-15 हज़ार रुपए इकट्ठे नहीं होंगे तो आप जाओगे अपने एड्स का यूज करने या कुछ लैंडिंग पेज बनाने या कोई भी चीज को यूज करने, तो वहां आप करते हो कंजूसी। जैसे मैं 3,000 लेके आया तो मैं वहां पर कंजूसी कर रहा था, 5,000 लेके आया तो मैं वहां कंजूसी कर रहा था, जहां पर 8 डॉलर लगाने का था तो मैं वहां सोच रहा था 6 डॉलर लगा दूं, जहां 6 डॉलर लगाने का था वहां मैं सोच रहा था 4 डॉलर लगा दूं। तो कंजूसी के चक्कर में ऐसे मैंने बहुत सारा पैसा वेस्ट कर दिया। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, प्लीज गाइज कम से कम 15,000 या 10,000, इन दोनों के बीच मतलब इतना बजट आप लेके ही आओ मार्केट में, कम से कम 10-15 हज़ार रुपए, ताकि आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने देखा है कि आप उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, वो फुलफिल हो सके। तो प्लीज आप इतना पैसा जरूर लेके आओ और कंजूसी बिल्कुल मत दिखाना, बिकॉज जब आप 10-15 हज़ार रुपए लेके आओगे और यहाँ पर भी कंजूसी करोगे तो आप आउट हो जाओगे गेम से। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखना कि कंजूसी
नहीं करना है सीपीए मार्केटिंग में, जो सीपीए मार्केटिंग मांगता है उसको उठा के देना है, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है टेक एक्शन, ये है अपना नेक्स्ट पॉइंट। यस गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे पता है कि आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक एक्शन। देखो यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ बट लर्निंग इज नथिंग। यस गाइस, लर्निंग इज नथिंग, मैं आपको सिखा दूंगा चले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, उसका एक्शन नहीं लेते हो। लर्निंग एक चीज जीरो चीज है, नथिंग चीज है, मतलब कुछ भी नहीं है, लर्निंग जैसा कुछ होता नहीं है, आप ऐसा भी बोल सकते हो जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किए हो। देखो आजकल जो हमारे स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं, बिकॉज उनकी लर्निंग में प्रैक्टिकलिटी नहीं है, वो प्रैक्टिकल चीजों को नहीं करने देते हैं, वो आपको सिर्फ थ्योरी बेस सिखाते हैं और आप उस चीज को लर्न करते हो जो आपके किसी काम नहीं आती, और बाद में ज्यादातर लोग फेल हो रहे हैं अपने करियर में। वही चीज आप अगर यहाँ रिपीट करोगे तो आप फ्यूचर में फेल होने वाले हो, इवन जैसे ही आप स्टार्ट करोगे तो आप अपना फेलियर सामने नजर आएगा आपको। तो मैं आपको यही बोलूंगा, स्टार्ट टेकिंग एक्शन फ्रॉम फर्स्ट डे। जैसे कि आज मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पॉइंट को बार बार देखो, लिख के रख लो अपने डैशबोर्ड पे या अपने बेंच पे कहीं पर भी, कि आपको ये बार बार रिकॉल हो और आपको याद रहे। तो प्लीज गाइस, इस वीडियो के बाद एक्शन लेना स्टार्ट करो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो गाइस, दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, एनालाइज। एनालाइज करना बहुत जरूरी है इन सीपीए मार्केटिंग। गाइस देखो, ये पूरा नंबर्स का गेम होता है सीपीए मार्केटिंग। आपने कितने एड सेट बनाए, आपने कितने एड टारगेट रखे, कौन से कीवर्ड लगाए, ठीक है, आपका कितना बजट है, आपने कौन सा एड चलाया हुआ है, कौन सा एड आपका रन कर रहा है, नंबर वन का, नंबर टू का, नंबर थ्री का, इवन यहाँ पर बहुत सारे एड सेट आप यूज करते हो, तो कौन सा एड रन कर रहा है, कब कर रहा है, ठीक है, कौन से टाइम रन कर रहा है, आपने कितना पैसा उसमें लगाया है, कहाँ पर बीडिंग अच्छी मिल रही है, ठीक है। ईपीसी इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, लोग फालतू इसका हवा बनाए हुए हैं कि ईपीसी बहुत बड़ी चीज है, तो आप इसका अपने दिमाग में मतलब कि ईपीसी आपको काउंट करना है, ईपीसी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको काउंट करना है। तो एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सीपीए मार्केटिंग, आपको सही ढंग से एनालाइज करने आना चाहिए चीजों को। तो आज से ही आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कि आपको जो नंबर गेम है वो बहुत अच्छे से समझना है, कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, कब काम कर रही हैं, किस समय काम कर रही हैं, आप कितना बिडिंग लगा रहे हो तो उससे रिजल्ट आ रहा है, हर चीज को नोट करना और उसको एनालाइज करना सीपीए का एक बहुत बड़ा की है। गाइस ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और आई होप कि आप इसका ध्यान रखोगे, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपको ही इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो प्लीज इसका ध्यान रखो। लेट्स गो ऑन द फोर्थ पॉइंट। Guys, the fourth point, know your offer and understand your customer. Guys, ये जो point है ये हर market की जान होती है, know your customer and understand your offer. Yes, guys, अगर आप अपने customer को नहीं जानोगे, अपने offer को नहीं समझोगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से अपना ऑफर शो नहीं कर पाओगे। लाइक अगर आपकी मम्मी खाना बनाना नहीं जानती है तो वो आप समझ सकते हो कि आपको कैसा खाना बना के देने वाली है। तो ये हो गई प्रोडक्ट की बात। दूसरी चीज, अपने कस्टमर को जानना। अगर आपकी मम्मी नहीं जानती कि आपको क्या पसंद है, कि आप छोले भटूरे खाते हो, कि आप गुलाब जामुन खाते हो या जो भी खाते हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो आपको क्या पसंद है, अगर आपकी मम्मी को नहीं पता है तो आपकी मम्मी आपको खुश नहीं कर सकती। इट्स मीन आपका जो अटेंशन है वो ग्रैब नहीं कर सकती तुरंत, क्या आपसे उनको कुछ काम कराना है तो वो आप तुरंत आपसे काम नहीं करा सकती, बिकॉज वो नहीं जानती कि आपका पेन पॉइंट क्या है। तो इसीलिए अपने कस्टमर्स को जानो और अपने ऑफर को समझो कि आपका ऑफर किस बारे में है। बिकॉज मैंने देखा कि ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं, वो 10-10, 20-20 पूरे 10-10, 20-20 एड कैंपेन नेटवर्क एड्स उठा लेते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं सेल करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, बट वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट को समझते ही नहीं है। वो देखते हैं ये ऑफर बहुत अच्छे चल रहा है, चलो इसको पिक करो और इसको सेल करना स्टार्ट कर दो, तो वहीं वो फेल हो जाते हैं। इसलिए जो आपका इंटरेस्ट है, जिस ऑफर में लगता है कि आप इस ऑफर के बारे में जानते हो और इनके जो कस्टमर्स हैं उनको भी जानते हो, तो उसी ऑफर को पिक करो और उस ऑफर के साथ ही काम करो। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, इसको अच्छे से दिमाग में यहाँ पर अच्छे से जमा लो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लेट्स गो। दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट एंड आज के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब आज कल के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है अब मैं बताता हूं। डोंट स्टक विथ वन नेटवर्क। गाइस देखो, लोगों को भूख लगी हुई है मैक्स बॉन्टी की, मैक्स बॉन्टी, मैक्स बॉन्टी, मैक्स बॉन्टी,
तो मैक्स बाउंटी है क्या? मैक्स बाउंटी भी एक नेटवर्क है जो आपको सीपीए के ऑफर्स प्रोवाइड करवाता है, राइट। ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो आपको किसी भी एक नेटवर्क से प्यार नहीं करना है। लाइक जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा कि आप अपने जॉब से प्यार करो ना कि किसी कंपनी से, वैसे ही आपको यहाँ पर किसी भी नेटवर्क से प्यार नहीं करना है, आपको अपने काम से प्यार करना है कि आप सीपीए कर लेते हो, आपको सीपीए में उस्ताद बनना है ना कि किसी नेटवर्क में। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग स्टक हो चुके हैं कि उनको अगर सीपीए मार्केटिंग करनी है तो उनको मैक्स बाउंटी ही चाहिए। अगर भाई आपका वहाँ अप्रूवल नहीं हो पा रहा है तो उसको स्किप करो, बहुत सारे नेटवर्क है जिनके साथ आप काम कर सकते हो। तो आप इतना सीख ले रहे हो बट आप वहीं स्टक हो कि अरे मुझे तो मैक्स बाउंटी ही चाहिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज बहुत सारे 100-150 बहुत सारे नेटवर्क है, नेटवर्क की कमी नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। तो प्लीज माई फ्रेंड स्टक मत हो नेटवर्क के साथ, टाइम को यूज करो और टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम ऐसा चीज है जिसका हम रिफंड नहीं ले सकते लाइफ में। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखो और इन 5 चीजों को अपने डेस्क के सामने चिपका के रख लो। गाइस देखो मैं वो चीज आपको समझा रहा हूँ जिस चीज से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और जिस चीज से मैंने शॉर्ट पीरियड में चीजों को सीखा है। तो प्लीज मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि आप लिख के रख लो, तो आप सोच रहे हो अरे क्या बकवास बोल रहा है ये लड़का, ठीक है, या कोई भी पीछे गाली लिखेगा, आई नो, बट मैं ये चीज उस आधार पर बोल रहा हूँ जिस चीज पे चीजें काम करती हैं। तो अगर आप इस चीज को सीरियस लोगे तो आपके लिए बेटर है। तो प्लीज गाइस इस चीज को एक जगह चिपका के रख लो, अगर नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक करके जाना, नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी जल्दी आएंगी। आई होप मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी सारी चीजें लेके आऊँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट जरूर करके जाना कि मैं लर्न करूंगा एवरी पॉइंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।